Assalamu alaikum to all. This is your first online lecture from Alaran Institute of Emerging Technologies. Hope you all are in good condition. In this video, we are going to learn about tenses. Alright? Tenses means zamane. ठीक है? Tenses means zamane. अब tenses की भी हमारे three types हैं. First है present tenses, second है past tenses, third है future tenses. Alright? अब इन three tenses की भी अपनी four categories हैं. फोर कैटेगरीज किस तरीके से, जैसे प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसी तरीके से हमारे पास्ट टेंसेस की भी फोर कैटेगरीज हैं. फर्स्ट है पास्ट इनडेफिनिट टेंस, सेकेंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब इसी तरीके से फ्यूचर टेंसेस की भी अपनी फोर कैटेगरीज हैं. फर्स्ट है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी लर्न करने वाले हैं. ठीक है, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. It is used to express an action in present time, usual actions or universal fact. Present definite tense में हम किसी भी ऐसे action के बारे में बात करते हैं जो हमारे present time में हो रहा हो. ठीक है, या ऐसी चीज जो हमारे usual action में हो, या फिर किसी भी universal fact के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से हो सकती है. अगर हमारे सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ता हूँ या ते है आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. ऑलराइट, इस तरीके से हम इसकी आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट कोई भी हमारा नाउन हो सकता है या भी कोई भी हमारा प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हमने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर हम उसको कहते हैं बेस्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेस्ट फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है. ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स में कह रहे हैं हम सबसे पहले ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ईच ईयर, मतलब वो अपनी बर्थडे हर साल मनाता है. हमारा सेंटेंस किस पे हो रहा है, एंड ता है. ऑलराइट, अब सेकंड सेंटेंस में हम कह रहे हैं शी गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठती है, ती है. ठीक है, थर्ड सेंटेंस में हम कह रहे हैं आई वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम में दौड़ती हूँ, ती हूँ. ऑलराइट, फर्स्ट सेंटेंस में हम कह रहे हैं शी टॉक्स टू मच, वो बहुत ज्यादा बोलती है, वो बहुत ज्यादा बोलती है. राइट, फिफ्थ में हम कह रहे हैं कि दे रन फास्ट, वो तेज दौड़ते हैं, ते हैं. राइट, ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस. राइट, अब हम चलते हैं. आपने नोट किया होगा एग्जांपल्स में कि मैंने कहीं कहीं अपने वर्क के अंदर एस यूज करा है, किसी वर्क के अंदर एस यूज नहीं करा. डोंट बी कंफ्यूज, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर हम यूज करें प्रोनाउन को, कौन से प्रोनाउन को, ही शी इट को, ही शी इट प्रोनाउन को अगर आप अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो हमारा वर्क जो है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी. Instead of using is and are, ठीक है, he, she, it के साथ अगर हम अपना सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा वर्ब के अंदर हम ऐड करेंगे या तो s या फिर es. ठीक है, हम अपने सेंटेंस के अंदर s ऐड करेंगे या फिर es ऐड करेंगे, कौन से प्रोनाउन के साथ, he, she, it के साथ ओनली. ठीक है, बट अगर हमारे सेंटेंस में हम यूज करें I, we, they, you, तो हम अपने सेंटेंस के अंदर s और es को ऐड नहीं करेंगे, अपने वर्ब के अंदर एस और ईएस को ऐड नहीं करेंगे. ठीक है, अब ही शी इट के साथ जो हम एस और ईएस को प्लेस करेंगे, वो किस तरीके से प्लेस करेंगे, किस तरीके से आपको आसानी होगी प्लेस करने में, वो मैं आपको बताती हूँ.
यूजेस ऑफ एस और ई एस। राइट, अब हमने लिखा है सबसे पहले ओ। अगर हमारा वर्ड है वो ओ पर एंड हो रहा है तो इट मीन्स हमने इधर ई एस को ऐड करना है, ठीक है। बट अगर हमारा सेंटेंस, हमारा वर्ड जो है वो एक्स पर एंड हो रहा है तो हमने ई एस को ऐड करना है। और अगर हमारा वर्ड एस एच, डबल एस, सी एच या फिर एस पर एंड हो रहा है तो हमने अपने वर्ड के अंदर, वर्ब के अंदर ई एस को ऐड करना है, ठीक है। बट अगर इन सब वर्ड्स के अलावा हमारा वर्ड जो है किसी और वर्ड पर एंड हो रहा है तो इट मीन्स हमें वहां पर ओनली एस को ऐड करना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारा वर्ड वर्ब जो है उसके एंड में ओ, एक्स, एस एच, एस एस, सी एच या फिर एस आएगा तो हमने अपने वर्ब के अंदर ई एस को ऐड करना है। लेकिन अगर हमारे वर्ब के अंदर इसके अलावा कोई और वर्ड एंड हो रहा है तो इट मीन्स हमने वहां पर ओनली एस को ऐड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने फर्स्ट सेंटेंस में कह रहे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब हमारा वर्ब के अंदर गो जो है वो हमारा वर्ब है सेंटेंस के अंदर, और गो जो है वो किस पर एंड हो रहा है, ओ पर। हमने कहा कि अगर ओ के ऊपर, ओ पर हमारा जो है वर्ब एंड होगा तो इट मीन्स हमने ई एस को ऐड करना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ई एस को ऐड करा, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस को हम देख रहे थे, ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक। अब हमारा वर्ब जो है वो ना तो ओ पर एस एंड हो रहा है, ना एक्स पर, ना एस एच, ना एस एस, ना सी एच, ना एस पर, ये एंड हो रहा है डी पर। तो इसलिए हमने वहां पर क्या पुट करना था, ओनली एस को पुट करना था, ठीक है। इसलिए हमने कहा ही रीड्स बुक, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डू या फिर डस, ठीक है। उस हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हमने उसके बाद नॉट, एक वर्ड को ऐड करना है नॉट, जो शो करता है निगेशन, ठीक है। नॉट वर्ड जो होता है वो निगेशन शो करता है, इसलिए हमने अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज करना है, ठीक है। कैसे, डू नॉट यूज करें या फिर हम डज नॉट यूज करें, ठीक है। इसके बाद हमने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस्ट फॉर्म, राइट। उसके बाद हमने यूज करना है ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है नेगेटिव सेंटेंसेस का। हम उसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमने अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही चेंज किए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, ताकि आपको और भी इजीली इलैबोरेट हो जाए और एक्सप्लेन हो जाए अच्छे तरीके से। और फर्स्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे ईच ईयर। अब ही के साथ हमने ऊपर सेलिब्रेट्स यूज किया था, हमने एस को ऐड किया था, ठीक है। लेकिन हमने अब इधर जो है सेलिब्रेट के बाद जो है एस को ऐड नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने अपने हेल्पिंग वर्ब के अंदर ई एस को ऐड कर लिया, ठीक है। अगर हमारे वर्ड, हमारे सेंटेंस जो है उसके अंदर आप ही शी एड को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है, तो उसके साथ हमने अपना हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने सेंटेंस के अंदर आई, वी, दे, यू यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स हमने वहाँ पर ओनली डू नॉट यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए हमने इस सेंटेंस के अंदर ही डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे ईच ईयर यूज किया है, डज नॉट यूज किया है, ठीक है। ही डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे ईच ईयर, वो अपनी बर्थडे हर साल नहीं मनाता, ठीक है। वो हर साल अपनी बर्थडे नहीं मनाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि शी डज नॉट गेट अप अर्ली। इधर भी हमने ऊपर गेट्स लगाया था, लेकिन हमने यहाँ पर अपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया डज, ठीक है। ऐसे यहाँ से खत्म कर दिया। अब ही शी डज नॉट गेट अप अर्ली, वो जल्दी नहीं उठती है, ठीक है। थर्ड हमारी एग्जाम्पल है, डू आई डू नॉट वॉक इन द इवनिंग। अब आई के साथ मैंने आपको बताया था, आई, वी, दे, यू के साथ हम आई यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, ठीक है। और ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं डस।
आई डू नॉट वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम में नहीं दौड़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है शी डज नॉट टॉक टू मच, वो बहुत ज्यादा नहीं बोलती है, ठीक है। अब शी था इसलिए हमने यहाँ पर डज यूज करा। हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है दे डू नॉट रन फास्ट, दे डू नॉट रन फास्ट। अब दे के साथ हमने यहाँ पर डू यूज करा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने जस्ट ही शी इट के साथ डज यूज करना है और बाकी जितने भी प्रोनाउन है लाइक आई वी दे यू के साथ हमने डू यूज करना है। ऑलराइट, दे डू नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। अब इसके बाद हमने देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमने सबसे पहले यूज करना है हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डस। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हमारे सेंटेंस में ही शी इट को हम यूज कर रहे हैं तो हमने वहां पर डस यूज करना है, और अगर हम अपने सेंटेंस के अंदर आई वी दे यू यूज कर रहे हैं तो हमने अपने सेंटेंस के अंदर डू यूज करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज करने के बाद हमने सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस्ट फॉर्म, और उसके बाद हमने लेने ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में कह रहे हैं हम डज ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे ईच ईयर, क्या वो हर साल अपनी बर्थडे मनाता है। अब हमने यहाँ पर ही सब्जेक्ट यूज करा है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगाया। अगर यहाँ पर हम आई यू दे या वी यूज करते तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, हम डज की जगह डू लगाते, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है हमारी डज शी गेट अप अर्ली, क्या वो जल्दी उठती है। अब शी हमने वो सब्जेक्ट यूज करा है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज यूज करा है। अगर आई वी दे यू यूज करते तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं और डज की जगह डू यूज करते, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल है हमारी डू आई वॉक इन द इवनिंग, क्या मैं शाम में दौड़ती हूँ। अब आई सब्जेक्ट यूज हुआ है इसलिए हमने अपने वर्ब अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू यूज करें, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है हमारी डज शी टॉक टू मच, क्या वो बहुत ज्यादा बोलती है। अब हमने इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यूज करे शी इसलिए हमने अपने हेल्पिंग वर्ब लिया डस, ठीक है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारी डू दे रन फास्ट, क्या वो तेज दौड़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करे हैं डू, डज अगर हम यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता क्योंकि हमने बताया है कि अगर हमारा प्रोनाउन ही शी इट यूज हो रहा है तो हम अपना हेल्पिंग वर्ब डज यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा जो प्रोनाउन है वो आई दे वी यू यूज हो रहा है तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डू को ऐड करना है, ठीक है। हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे।